व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी ने यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का किया इनॉग्रेशन। तो बैप्स टेम्पल राम मंदिर के बाद अब आपने देख ही लिया भैया। और मोदी जी का क्या मैं कहूँ पूरे भारत का ही डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। और देखते हैं पूरी वीडियो, पाकिस्तान मीडिया का क्या कुछ कहना है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। दुबई के अंदर आज एक बहुत बड़े मंदिर का ओपनिंग किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है। और यहाँ में गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को। इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ। ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। आई थिंक यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेम्पल देना चाहते। बहुत बड़ी बात है वहाँ के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। भारत जो है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो मुसलमानों के साथ पींगे, जो मुसलमान दुनिया है उनके साथ पींगे बढ़ा रहा है, वहाँ अपने लिए स्पेस भी बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी मुसलमान दुनिया सोई हुई है। शारदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कैलाश राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, हम उसको बनाना तो दूर रेनोवेट नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं यूए का फर्स्ट हिंदू टेंपल, और ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का है। यूए जो है हिंदुइज्म से लव भी करता है, इंडियंस को प्रायोरिटी भी देता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत खास है। इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है, और ये जो मंदिर है दुनिया यहाँ विजिट करने आएगी। कहा जाता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया। अगर इसके इसमें मौजूद इसमें मटीरियल की बात करें, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर की बात करें, तो वो ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किया गया, और जिन कारीगर्स ने इस मंदिर को बनाया वो भी तमाम के तमाम इंडियंस ही थे। हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है, और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता आज के ज़माने में। गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज़ आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को। इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ। अब आपकी तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एफ पर फॉलो करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा ये कि मेरा ये स्टांस है कि जितने भी अब आप देख लें, जो सऊदी अरबी हो गए, रियाज हो गए, जितने भी कंट्रीज वहाँ पे सिनेमाज ओपन हो गए, ओके, उससे पहले औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे सुनने में ही आया है कि वहाँ पे बार्स भी ओपन हो रहे हैं, ओके। और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से। अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने, अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं, तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी, वो भी सेल ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि वो मेरा, आई थिंक सो, हर किसी का अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव ये है कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस, उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मारी माता मंदिर कराची में, इसके अलावा बड़ी तादाद में, शारदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कैलाश राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, हम उसको बनाना तो दूर रेनोवेट नहीं कर पाते। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो माइंड में एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि भाई जो मंदिर बना देगा वो तो दारा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को खत्म करने की जरूरत है, और मैं तो बनाने की बात भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ यार रेनोवेट कर दो, कम अज कम आप रेनोवेट करोगे थोड़ा सा मतलब ही होके, मुफाद पसंद होके, अपना फायदा सोच के ही आप बनाओगे। कितने टूरिस्ट आएंगे, कितने हिंदू, जैसे आप में से कितने लोग इंडिया से आए अभी,
सब इंडिया से आए हैं। अब देखने में तो ये मंदिर को देखने आए हैं, यहाँ पे वो सब करने आए हैं, लेकिन इधर से स्टेट को यूएई को कितना फायदा होगा ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में मंदिर जो मौजूद है उन्हें रेनोवेट किया जाए, ये सभी लोग मैं गारंटी से कहता हूँ श्रद्धा प्रीत में ये सभी जाना चाहेंगे। आप में ऐसे ही जरूर करतारपुर साहिब भी जाना चाहेंगे और उससे हिंगलाज माता भी जाना चाहेंगे। ठीक है, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बेहतर होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगी, ये बहुत सी चीजें हैं और इसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान से स्पेशल यहाँ पे आए हैं, आने का मकसद ये, आने वाली वीडियोस भी बहुत सरप्राइज होने वाली हैं। आइए थोड़ा सा आगे जाते हैं, मंदिर को भी दिखाते हैं। आइए भाई हमारे साथ आए आप। अच्छा मुझे बताएं कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आएंगे इसे इनॉग्रेट करने, तो कितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं? ऑलरेडी 60,000 प्लस रजिस्टर्ड। अच्छा 60,000 के करीब लोग, और ये ज्यादातर बीच में से इंडिया से भी आएंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी हिंदू कम्युनिटी रह रही है वो भी होंगे, और पाकिस्तान से भी मेरे ख्याल से जो हिंदू कम्युनिटी है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर आएंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, या कोई भी आप क्या बोलना चाहेंगे, ये जो मंदिर बन रहा है कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान से भी बहुत लोग सेवा करने के लिए आए हैं हमारे साथ। अच्छा पाकिस्तान से भी आए हैं? यहाँ कहाँ पे हैं? हम उनसे भी नेक्स्ट वीडियो पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है उनसे बात करेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम? चेतन गुप्ता। कभी आपने मुझे देखा यूट्यूब या कहीं पे? नहीं देखा। ठीक है, अच्छा चले मंदिर के हवाले से बात करते हैं। आप आए कहाँ से? यूएसए आया हूँ। यूएसए आए हैं और स्पेशल सिर्फ इसलिए आए हैं ये मंदिर को मतलब देखने के लिए और यहाँ पे अपना एक तो मैं कंपनी नैनो स्टफ से आया हूँ। ठीक हो गया। हम लोग ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ डालते हैं मंदिर के लिए, हमारी ओर से गिफ्ट है। जबरदस्त हो गया, ये आपने गिफ्ट किया मंदिर को। हेलो मैम। हेलो। ठीक है, आपका नाम? अंकिता संचेती। ठीक है अंकिता जी, ये बताइए आप भी यूएसए आई है? नहीं, हम इंडिया से आए हैं। इंडिया से आई है। कभी आपने कोई वीडियो मेरी देखा? आज देख रही हूँ पहली बार। चले अब आज देख रही है लेकिन आगे देखती रहेगी, पहचान लूंगी। ठीक हो गया। मैम ये बताइएगा क्या आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगी कि ये देखें इस्लामिक स्टेट में एक मंदिर बना है, तो इससे क्या मतलब क्या है और एज ए हिंदू आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कंट्री हो, वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, कोई भी मजहब हो। ठीक है, तो आई थिंक ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। ठीक हो गया। यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेंपल देना चाहता है। ठीक हो गया। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई देखें उन्होंने अगर मस्जिद बना रहे हैं, इवन यूएई की तरफ से पाकिस्तान में बहुत सी मस्जिद बनाई गई है, यूएई की तरफ से यहाँ पे अगर सऊदीया की बात करें यहाँ पे अपना पाकिस्तान में मस्जिद बनाई गई, यहाँ पे मंदिर बनाया गया, तो ये चीजें हैं पॉजिटिविटी को शो करती हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यूएई की लगती है कि भाई देखो वहां पर इस्लामिक कंट्री है वो, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बहुत फोकस। एग्जाम्पल छोटा सा है, गाड़ी आपकी गंदी है आपके घर पे चलाना जाएगा, आपको कोई दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन जाना है, इलेक्ट्रॉनिकली आपकी कंप्लेन हो जाती है, हर एक चीज होती है। वो देश विजन लेके चल रहा है आगे बढ़ना है। अगर एक कंट्री को इस्लामिक कंट्री है लेकिन वो बहुत टेक्नोलॉजी वाइज भी, और जो लीडर होता है ना सबसे पहले उसको ये समझना है कि आप हिंदू राष्ट्र हो, आप मुस्लिम राष्ट्र हो, इस्लामिक राष्ट्र हो, आप यूरोपियन हो, आप अमेरिकन हो, कोई भी कंट्री हो, लेकिन सबसे पहले नेशन कम्स फर्स्ट होना चाहिए कि मेरा देश ऐसे तरक्की करे कि दुनिया घूमने आए और दुनिया में नाम हो, दुनिया एक अपना देश इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हर तरीके, और यूएई वो कर रहा है, उसने विजन तो दिया पाकिस्तान का भी है वो अलग तरीके से, लेकिन इंडिया ने भी ठाना हुआ है। और यूएई में देख लो ना आप दुबई को देख लो, आप सऊदी को देख लो, उन्होंने ये डिसाइड किया होगा भैया टूरिज्म लाना है तो फैसिलिटी देनी पड़ेगी, लोगों को सिक्योरिटी भी फील करानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, तो इसी चीज से ये चीजें कनेक्ट होती है और तब आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर सऊदी या दुबई से कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी हिंदुओं के साथ, मान लें इंडिया का कोई गया उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो भाई फिर बस तो सोशल मीडिया का जमाना है, 2 सेकंड लगे लोग कहते हैं हम तो ना आ रहे, हम तो वो पुराना टाइम गया। तो जरा से मैं मालदीव का देखो, पाकिस्तान के बारे में आज मैं इस वीडियो में जरूर बात करना चाहता। मैं सबसे पहले तो भाई मोदी जी ने ये देखो पूरी दुनिया में एक अलग लेवल पर इंडिया को पहुंचाया है। ये है कि जब ये लोग मतलब आते थे, ये लोग आते थे तब इंडिया में मंदिरों को ढका जाता था, पर्दा डालता और ठीक है, नेहरू के टाइम पे था ना वो पर्दे डाल दिए थे, मंदिरों को ढक दिया गया था, और आज देख लो इस्लामिक कंट्रियों के अंदर मंदिर बन रहा है क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। हाँ भैया, आप खुद को ही ढकोगे दूसरे के सामने या पहले ही झुका के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप अपने जितना दर्जा दूसरे को भी दो, रिस्पेक्ट भी दो, आगे वाला रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहता वो बात की बात है, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट करता है सबसे पहले देखो, आप रिस्पेक्ट दो आगे वाला रिस्पेक्ट देगा, आगे वाला नहीं देगा तो आप समझ गए ना भैया ये तो मतलब ही है ये चीज। और आज हर एक देश
ये चीज रियलाइज कर रहा है। और आप ये देखो ना यार, बहुत बड़ी बात होती है इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर इतने जोर शोर से उद्घाटन होना, प्राइम मिनिस्टर को बुला के, भाई बहुत, मतलब वो कहते ना दिल खुश कर देने वाली बात है। और प्लस एक पीस का भी मैं कहूँगा, पूरी दुनिया में ये चीज़ समझनी पड़ेगी अब कंट्रीज को कि पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं तो सारे दंगे में एक बता दो पाकिस्तान का ही होता है, ईरान से भी पाकिस्तान का, उधर भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान का ही, ठीक है। और एक वो मुझे लगता है कि एक वो मामला और सुलटा जाना चाहिए, जो वो फलस्तीन और जो उनका है ना इसराइल का, वो भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए भैया। जैसे थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हों, बहुत सारी सरकारें हों, कुछ भी हो, सॉल्व करो उसको। ये दिस यूक्रेन रशिया का भी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर भैया, आपको तरक्की करनी है, आप इकोनॉमिक वाइज, आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करो लोगों के, तरक्की करो। मिलते हैं आपसे कभी एक साथ, बाय, टेक केयर।